गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेयरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग. बेसिकली बेयरिंग हमारी टू टाइप्स की होती है. हमारा ये चैप्टर है, जिनको भी नहीं भी पता, कंपास सर्वेइंग चैप्टर है. इसमें हमने क्या किया, इससे हम क्या चेक करते हैं, बेयरिंग. बेयरिंग मीन्स एंगल. इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं. ठीक है, ये एंगल ही होता है. बेयरिंग किस चीज से चेक करी जाती है, कंपास से चेक करी जाती है. जो हमारी कंपास है वो टू टाइप्स की होती है, मैंने बताया था, एक थी प्रिज्मेटिक और एक थी सर्वेयर. ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में क्या बताया था, उसमें क्या होता है कि जो उसमें 0 से लेके 360 तक एंगल देख सकते हैं, और उसमें जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन ही लेते हैं. ठीक है, और जो हमारा था सर्वेयर कंपास, उसमें क्या, उसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे एक फोर क्वाड्रेंट होते हैं 90-90 डिग्री के. ठीक है, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक का है. ठीक है, 90 डिग्री तक हर एक क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, बेयरिंग चेक करते हैं. ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये चार क्वाड्रेंट हो गए. फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. मतलब जो ईच क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री तक होता है, हमें भी पता है. ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, सॉरी, उसमें सर्वेयर कंपास में ये क्वाड्रेंट्स बने होते हैं. ठीक है, और जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास होती है उसमें क्या होता है, होल सर्कल बेयरिंग होती है. मींस कि हम 0 से लेके 360 डिग्री तक एंगल चेक करते हैं. ठीक है, और उसके बारे में भी मैंने बताया था, हमारी जो प्रिज्मेटिक कंपास कैसी होती है, और हमारी जो है दूसरी सर्वेयर कंपास कैसी होती है, उसमें रीडिंग कैसे लेते हैं, उसमें रीडिंग कैसे लेते हैं. ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म से रीडिंग लेते हैं, और जो हमारी सर्वेयर कंपास है उसकी रीडिंग जो है हम ऊपर से लेते हैं. ठीक है, जो हमारा ऊपर ग्लास लगा होता है ना. ठीक है, सर्कल सर्कल के ऊपर जो हमारी ये देखो ये है, ये ऊपर ग्लास लगा हुआ है ना, तो हम इससे क्या करते हैं, इसमें जो है बेयरिंग चेक करते हैं कितना एंगल है वो भी. ठीक है, और इसमें डायरेक्शन है वो नॉर्थ भी ले सकते हैं, साउथ भी ले सकते हैं. कैसे, जो भी मैंने बताया था, अगर तो हमारी बेयरिंग इस साइड आ रही है, ठीक है, हमने बेयरिंग चेक करनी है, अगर तो वो नॉर्थ डायरेक्शन के नजदीक है तो हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे, नॉर्थ लेंगे. अगर वो यहाँ पे आ गई, सपोज जो किसके नजदीक है, साउथ के, तो हम डायरेक्शन कौन सी लेंगे, साउथ रेफरेंस लेंगे. ठीक है, और होल सर्कल बेयरिंग में हम, या प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्कल बेयरिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन ही लेते हैं. इसमें क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, जैसे ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस लिया, इस एंगल को चेक करना चाहिए, क्लॉकवाइज बन गया. और यहाँ से साउथ डायरेक्शन को रेफरेंस लेके इस साइड जाऊंगी, तो कौन सा, ये भी क्लॉकवाइज बन गया. अगर ये यहाँ पे सपोज ये इस लाइन का हमने बेयरिंग चेक करनी है, तो साउथ डायरेक्शन हम रेफरेंस लेंगे, बिकॉज ये साउथ के नियर है, तो साउथ से इसका एंगल चेक करूंगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया. मतलब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी. और जो हमारी दूसरा होल सर्कल बेयरिंग होता है, उसमें सिर्फ हम नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस लेते हैं, कोई भी एंगल चेक करना है वो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही चलेंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा बेयरिंग जो है बेसिकली टू टाइप्स की होती है. हमारी बुक में भी मैंने बताया टू टाइप्स की होती है. ठीक है, ये नहीं हम करेंगे, ग्रिड और आर्बिट्ररी भी होती है. ये ग्रिड वाली तो नहीं है, आर्बिट्ररी होती है. ये क्या होता है, अज्यूम्ड बेयरिंग होती है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, जो हमारी ट्रू बेयरिंग होती है वो क्या होती है, अर्थ के जो हमारे जियोलॉजिकल बेस के उसके मतलब आधार पे होती है. ठीक है, जो नॉर्थ साउथ है, जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये दो पोल हो गए नॉर्थ साउथ, तो ये क्या होगी, हमारी ट्रू बेयरिंग होगी. हम इसके अलोंग बेयरिंग चेक करेंगे तो क्या कहलाएगी वो, ट्रू बेयरिंग. उसको क्या बोलते हैं, ट्रू बेयरिंग. और एक होती है मैग्नेटिक बेयरिंग. ट्रू बेयरिंग होती है जियोग्राफिकल मेरिडियन. ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन
मतलब अर्थ के फीचर के हिसाब से, जैसे जियो जियो नॉर्थ हो गया और जियोग्राफिकल साउथ हो गया, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू बेरिंग बोलते हैं, ठीक है। और हमारी एक होती है मैग्नेटिक बेरिंग, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक बेरिंग क्या है, सपोज हमारी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन किसके नॉर्थ और साउथ के अलोंग है, तो हमने इस लाइन इस बेरिंग को किस कंपस के साथ चेक किया, प्रिज्मेटिक कंपस के साथ चेक करेंगे। प्रिज्मेटिक कंपस में क्या होता है हमारा, उसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बेरिंग बोलते हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक नॉर्थ, ये देखो, ठीक है। और हमारी एक बेरिंग होती है, फोर बेरिंग भी होती है और एक बैक बेरिंग भी होती है, उसका मतलब क्या है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का। डेजिग्नेशन ऑफ बेरिंग, द बेरिंग आर डेजिग्नेटेड इन द फॉलोइंग टू सिस्टम। एक होता है होल सर्कल बेरिंग, वो भी मैंने बता दिया, क्वाड्रेंटल बेरिंग में आपको बार बार बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। होल सर्कल बेरिंग, द बेरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड विद, ये बार बार बताने की वैसे जरूरत नहीं है, जो वही मैंने बताया कि होल सर्कल बेरिंग में 0 से लेकर 360 डिग्री तक हम एंगल चेक करते हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और ये होता है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन हम रेफरेंस लेते हैं। ये आपको याद कर लेने हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, क्वाड्रेंट बेरिंग भी वही है जिसमें हम नॉर्थ डायरेक्शन भी लेते हैं और साउथ भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और क्वाड्रेंट बेस होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपको मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था कैसे करते हैं, वो मैंने आपको एमएसटी में भी डाला था, किसी किसी ने ठीक किया। अच्छा, क्वाड्रेंट बेरिंग को अगर रेडियस बेरिंग को क्वाड्रेंट बेरिंग, सॉरी, होल सर्कल बेरिंग को क्वाड्रेंट बेरिंग में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेडियस बेरिंग। मतलब अगर हम कन्वर्ट करते हैं WCB से QB तो उसे क्या बोलते हैं, हम जो आंसर आएगा वो क्या आता है, रेडियस बेरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब जितना हमारा क्वाड्रेंट बेरिंग का आंसर आया उसको क्या बोलेंगे, हम रिड्यूस बेरिंग बोलेंगे, ठीक है, उसको रिड्यूस बेरिंग भी बोलते हैं। ये आपको याद कर लेना है, अगर तो आपको अगर आपको वो मेथड भूल जाए जो भी मैंने बताया कैसे निकालते हैं, अगर वो भूल जाए तो आपको ये आपको टेबल याद होना चाहिए कि अगर हमारी होल सर्कल बेरिंग 0 से 90 डिग्री है तो हमारा क्वाड्रेंट क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर 90 to 180 डिग्री है तो हमने क्या करना, जो अगर तो हमारा होल सर्कल बेरिंग है 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है, तो हमारा रिड्यूस बेरिंग क्या आएगा, होल सर्कल बेरिंग ही आएगा। मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये रिड्यूस बेरिंग भी क्या आएगा, 70 डिग्री, मतलब इसका आंसर होल सर्कल बेरिंग ही होगा, ठीक है। सपोज 70 डिग्री है मतलब नॉर्थ, 70 डिग्री ईस्ट, अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री हो तो क्या करेंगे, 180 से होल सर्कल बेरिंग को माइनस करेंगे, मतलब ये अगर 100 डिग्री है तो 180 से 100 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री। ऐसे ही आगे आगे चलते जाना है, ठीक है, आपने इसको याद कर लेना है। अगर नहीं याद है तो आपको अगर जो मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शुड बी रिमेम्बर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ, वो था आपका WCB टू RB, ये RB टू WCB, RB को QB भी लिख सकते हो, क्वाड्रेंटल बेरिंग, ये आपने आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एग्जाम में आ जाए RB तो ये इसका मतलब यही है, क्वाड्रेंटल बेरिंग, ठीक है। ये भी निकालना बताया कैसे, ठीक है, ये आपका टेबल नोट कर लेना, आप साथ साथ में नोटबुक रखा करो, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो नोट करते जाया करो, ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर के भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी मैं, फुल चैप्टर के, इस चैप्टर के थोड़े से मैंने थोड़ी सी पीडीएफ बताई थी, दिखाई थी आपको, ठीक है, फुल पीडीएफ सेंड कर दूंगी। हाँ।
एक होता है फोर बेरिंग और एक होता है बैक बेरिंग। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग होता है, सपोज ये हमारा लाइन है ए और बी, ठीक है, इसका एक एंगल ये चेक कर दिया, ये एंगल आ गया, ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया थीटा, सपोज या अल्फा या बीटा कुछ भी आ गया ना, ठीक है। अगर तो मैं ए से बी का बेरिंग चेक करूं तो वो क्या होती है, फोर बेरिंग। अगर बी से ए ए पे आऊं, ठीक है, उल्टा आऊं, तो वो क्या कहलाएगी, बैक बेरिंग। द बेरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगी, द सर्वे लाइन इज कॉल्ड फोर बेरिंग ऑफ दैट लाइन, द बेरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड अ बैक बेरिंग। ये ए से बी तक मतलब फॉरवर्ड जाऊंगी, फोर बेरिंग हो गया, ठीक है, और बैकवर्ड आऊंगी तो बैक बेरिंग हो जाएगी। ये देखो इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड, ठीक है। द बेरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज अलोंग द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज नोन एज फोर बेरिंग। इसका एक फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का रिलेशन होता है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का रिलेशन होता है मींस की, और जो हमारा सपोज मैंने जो थीटा और बीटा एंगल बताए थे उसका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री की होना चाहिए, ठीक है, मतलब फोर बेरिंग क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू बैक बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री इफ द बेरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज बैक बेरिंग। बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस साइन इज अप्लाइड व्हेन फोर बेरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। अगर हमारा सपोज हमारा फोर बेरिंग है वो 180 से कम है, 180 से लेस है, तो क्या करेंगे, 180 क्या करेंगे, फोर बेरिंग में प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा फोर बेरिंग है, फोर बेरिंग लेस देन 180, देन बैक बेरिंग का आंसर क्या आएगा, बैक बेरिंग क्या होगा, बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 प्लस फोर बेरिंग, ठीक है। अगर हमारा जो फोर बेरिंग है वो ग्रेटर है 180 से, तो बैक बेरिंग क्या क्या आएगा, फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है इसका रिलेशन। इन द क्वाड्रेंट बेरिंग दैट इज रिड्यूस बेरिंग, ये देखो क्वाड्रेंट बेरिंग दैट इज रिड्यूस बेरिंग सिस्टम, द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग आर न्यूमेरिकली इक्वल बट द क्वाड्रेंट आर जस्ट ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल इफ द बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट देन इट्स बैक बेरिंग इज साउथ 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये भी आपको न्यूमेरिकल बता दूंगी कैसे निकालने हैं। ये आपका है कन्वर्ट फॉलोइंग होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग, ये आपको चारों नोट कर लेने हैं, ये कल मैंने अब नेक्स्ट लेक्चर में पूछने हैं इसका आंसर क्या आया। स्टूडेंट्स कन्वर्ट होल सर्कल बेरिंग इनटू रिड्यूस बेरिंग, ठीक है, ये हमारा क्या है 49 डिग्री। अगर हमारा होल सर्कल बेरिंग है वो 0 से 90 डिग्री है तो हमारा रिड्यूस बेरिंग क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसका आंसर आएगा नॉर्थ 49 डिग्री ईस्ट। सेकंड है हमारा 240 डिग्री, ये भी मैंने आपको मेथड बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, होल सर्कल बेरिंग का 240 डिग्री है तो मतलब ये 180 हो गया, 180 तो ये यहीं कहीं आएगा 240 डिग्री, ठीक है।
सपोज हमारा ये आ गया 240 डिग्री, ये यहां से तो यहां पे कितना बचा हमारा, ये हमारा एक क्वाड्रेंट कितने का होता है, कितना बचा 30 डिग्री बचा। ठीक है तो हमारा क्या आएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गया, मतलब साउथ 30 डिग्री वेस्ट आंसर आ जाएगा इसका। क्या ये आपका होल सर्कल बेरिंग टू रेडियस बेरिंग है। ठीक है ये देखो बताया भी हुआ है यहाँ पे, since the line falls in the first quadrant, therefore the nearer pole is the north pole. Nearer pole कौन सा है? North pole है and is measured from north towards east. मतलब इसका आंसर क्या आएगा? Therefore RB north 49 degree east. ठीक है? Next है आपका 240 degree. ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? Since the line falls in the third quadrant, sorry मैं मैंने आपको कितना बता दिया? 30 degree. एक मिनट, मिस्टेक हो गई। सिंस द लाइन फॉल्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर द नियरर पोल इज नॉर्थ पोल एंड इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। मतलब नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ जाना था, मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। सॉरी 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री आंसर आएगा इसका। ठीक है मतलब हमारी जो रेफरेंस है वो साउथ की आएगी। साउथ से मैं वेस्ट को जाऊंगी तो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री आ रहा है। तो मतलब इसका क्या आंसर आएगा? साउथ 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है ये साउथ के नियर है तो डायरेक्शन कौन सी बनेगी? साउथ। ठीक है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है एक मैं और बताऊंगी, अगर ये हमारा 133 डिग्री है। ठीक है 133 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री है, ये यहीं कहीं आएगा। ठीक है तो ये यहाँ पे आ गया 133 डिग्री, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? साउथ। मतलब मैं इस साइड से यहाँ पे देखूंगी कितना बचा, मतलब साउथ ईस्ट बन गया है। ठीक है 133 डिग्री, सॉरी ये यहाँ पे कितना 43 डिग्री, मतलब 90 से 43 डिग्री निकाल देना है हमने। ये कितना आ गया हमारा? 47 डिग्री आ गया। ठीक है ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे। ठीक है ये देखो साउथ 47 डिग्री ईस्ट आंसर आ गया आपका। ये जो मैंने टेबल बताया वहां से भी निकाल सकते हो, और ये मैं आपको मेथड बता रही हूँ वहां से भी आप निकाल सकते हो। ये 47 डिग्री है, ये देखो क्या आएगा, साउथ 47 डिग्री ईस्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है नेक्स्ट हमारा सा 335 डिग्री, मतलब क्या है ये 335 डिग्री? मीन्स ये 90, 91, 80, 270, 270 यहाँ तक आ गया। सपोज ये लाइन आई, ठीक है ये लाइन आई 335 डिग्री आ गया। ठीक है तो 360 से 335 डिग्री निकाला तो 25 डिग्री बचा। मतलब ये नॉर्थ से क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये यही नहीं याद होता तो आप टेबल याद कर लो, वैसे ये मेथड बहुत इजी है। ठीक है कन्वर्जन
कन्वर्ट होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग, ठीक है। ये हमारी एग्जांपल्स है, नेक्स्ट इसका आपने आंसर निकाल के देना है मुझे। स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर पूछना है, ये आप नोट कर लो। 190 डिग्री, 260 डिग्री एंड 315 डिग्री, ठीक है। ये आपको तीनों लिखने हैं, इसका आंसर मैंने नेक्स्ट क्लास में पूछना है आपको, इसका आंसर क्या है, ठीक है। होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, नोट कर लिए स्टूडेंट, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रिड्यूस बेरिंग इनटू होल सर्कल बेरिंग, वो था हमने किया होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग, इसमें क्या करेंगे, रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग निकालना है। वो कैसे निकालेंगे ये आपको, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन तो पता ही है कौन सी है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। फर्स्ट हमारी क्या है, नॉर्थ 65 डिग्री, मतलब यही कहीं होगी, ठीक है। मतलब ये कितनी बची, 25 डिग्री। बची मतलब ये यहां से इसको कैसे निकालना है आपने, नॉर्मल है हमारा जो होल सर्कल बेरिंग है उसका एंगल, उसका हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करते हैं, तो मतलब यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 65 डिग्री ही आएगा, ठीक है। ऐसे आपने सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। ये आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता दूंगी, वैसे तो आपको मैंने टेबल दे ही दिया है, ठीक है, टेबल दिखाया था, वो सब देख लेना कौन सा टेबल है, ठीक है। इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, वहां से टेबल भी पता चल जाएगा क्या है, तो उस टेबल के देख लेना आप उसमें, ठीक है, फॉर्मूलाज लिखे वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है या आपका पिछला टॉपिक कोई क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का मैंने जैसे कि बताया, अगर हमारी फोर बेरिंग है वो लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक क्या आएगा हमारा 180 डिग्री प्लस फोर बेरिंग। इफ फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री देन फोर बैक बेरिंग क्या आएगा, फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये इसमें रिलेशन है, इसके बेस पे हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। ये इसमें इंटीरियर एंगल, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इंटीरियर और इंटीरियर एंगल पहले मैं बताऊंगी होते क्या है, नेक्स्ट पीपीटी में आपको ये बताऊंगी। ये दोबारा न्यूमेरिकल पूछने हैं तो आप अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन, नाउ यू कैन लीव द क्लास।